हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। और जैसे कि आपको पता है कि आज दिन है मंगलवार और आज हम जाते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो बस अब दोपहर के 3 बज रहे हैं और बस हम वहीं दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम आपको दर्शन करवाएंगे बांदा के संकट मोचन के हनुमान जी के। तो चलिए फिर चलते हैं। फिर भी मेरे तैयार हो गए हैं, राम राम कर लेते हैं और चलिए फिर चलते हैं। मेरा घंटा हो जाती है, वीडियो बनाने समय मिल जाएगा। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। और यहीं पे गाइस ये देखिए, एक यहाँ बगल में ही छोटा सा ये मंदिर है। तो इस ये बिल्कुल गुफा की तरह यहाँ पे भोले बाबा 3-4 जगह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल झुक के अंदर जाना पड़ता है, अंदर से घुस के निकलना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ अंधेरा भी बहुत रहता है और ये बिल्कुल घुस के मैं झुक के धीमे धीमे से निकल के एक तरफ से ये देखिए एक शिवलिंग ये है और फिर इसके आगे एक शिवलिंग ये और हैं और फिर इस यहाँ से निकलने के बाद भी एक और शिवलिंग है। ये देखिएगा, एक शिवलिंग ये है। तो यहाँ ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुफा है। अब देखिएगा, मैं यहाँ से गई थी, इस वाले दरवाजे से मैं गई थी और अंदर से होते हुए फिर मैं इस वाले दरवाजे से निकली। ये देखिए, अंदर संकट मोचन महाराज के दर्शन करने के बाद अब हस्बैंड मेरे सूर्य देवता की आरती कर रहे हैं और उसमें प्रसाद और फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, हो जाए
और संकट मोचन के बाहर निकलते ही यहाँ पे एक शनि देव का भी मंदिर, और ये देखे यहाँ पे फूलों की मालाएं वगैरह बन रही थी, तो थोड़ा मैंने ये भी कैप्चर किया। ये खूब सारे फूल रखे और इन्हीं की यहाँ पे माला बनाई जा रही है, और बस यहीं पे शनि भगवान का मंदिर है छोटा सा। बहुत लोग यहाँ दीपक जलाने वगैरह आते हैं और शनि भगवान की पूजा करते हैं, और हस्बैंड मेरे यहीं पर उनको भोग लगा रहे हैं, और फिर यहीं पर उनकी आरती भी की और परिक्रमा भी लगाई। पीपल के पेड़ के नीचे शनि भगवान बैठे हुए हैं, और बस यहीं से हमारे दर्शन की अब समाप्ति हुई। और गाइस ये दर्शन करके हम देखे मेन गेट के इस पार आ चुके हैं, और यहीं से अब मेन गेट आपको दिखा रही हूँ मैं, और बस अब हम चलते हैं घर की तरफ। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, तो ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।